इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक शहर जो आज वीरता और स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया है। झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई के प्रसिद्ध किले को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पर जहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनके पराक्रम की कहानी भारत के इतिहास में अमर है, वहीं दूसरी ओर बहुत कम लोग झांसी शहर का इतिहास जानते हैं। झांसी की कहानी समझने के लिए झांसी का 1857 के पहले का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। पर ताज्जुब की बात यह है कि झांसी के नेवालकर राज परिवार पर बहुत कम संशोधन हुआ है। आज हम रोशनी डालेंगे झांसी के इतिहास के इस भूले हुए अध्याय पर। सत्रहवीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला राजा बीर सिंह जुदेव ने बंगीरा नामक पहाड़ी पर मौज महल और एक छोटा सा किला बनवाया। समय के साथ इसे झांसी कहा जाने लगा। उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले व्यापारी मार्ग पर स्थित होने के कारण झांसी का बड़ा महत्व था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में झांसी बुंदेला राजा छत्रसाल के अधीन हुई। झांसी के इतिहास का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 1729 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल सेना के खिलाफ राजा छत्रसाल की सहायता की। झांसी में मराठों का इतिहास जानने के लिए हमने बात की झांसी निवासी मुकुंद मल्होत्रा से, जो पिछले 50 साल से झांसी के इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं। तो छत्रसाल की मदद करने के लिए पेशवा बाजीराव 20,000 प्लस हॉर्समैन कैवलरी सोल्जर्स के साथ, योद्धाओं के साथ झांसी आए और उन्होंने यहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाया पहले। उसके बाद फिर उन्होंने पूरे एरिया में जहाँ जहाँ मोहम्मद खान मंगश ने कब्जा कर रखा था, टर्न बाई टर्न जैतपुर से लेके और इलाहाबाद तक उसको खदेड़ के खाली करा दिया। कुछ पॉकेट्स रह गई थी, उन पॉकेट्स में झांसी भी था। झांसी किले के अंदर उनके एक छोटा सा सोल्जर्स का ग्रुप रह गया था, उसमें एक मुगल फौजदार रहते थे और उनके कुछ सिपाही रहते थे। लेकिन झांसी किले में स्क्रेसिटी ऑफ वाटर होने की वजह से नंबर ऑफ सोल्जर्स वर ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड, कभी भी बड़ी संख्या में यहाँ सोल्जर्स नहीं रखे जा सकते थे बिकॉज वाटर सप्लाई नहीं थी। तो जब फुल्ली पावर में आ गए छत्रसाल वापस, जितना भी रिकवर हो सका रिकवर हो गया, तब उन्होंने बाजीराव को ऑफर किया कि हम आपको क्या दे सकते हैं। तो बाजीराव ने, जैसा कि सब कुछ मालूम है, उन्होंने मस्तानी, जो उनकी कॉन्क्यूबाइन से एक लड़की पैदा हुई थी, वो मस्तानी को मांगा कि मस्तानी दे दीजिए। तो पेशवा बाजीराव को छत्रसाल ने मस्तानी और उसके साथ जालौन का काफ़ी हिस्सा उनको दे दिया था। तो जालौन आने जाने के लिए झांसी में पड़ाव करना पड़ता था और यहाँ पर मुगल फौजदार, उनके साथ झड़प होती थी। इसी बीच में एग्रीमेंट हुआ छत्रसाल के साथ कि वो यहाँ पर लगान वसूल करेंगे और लगान वसूल करके वहाँ पर देंगे। तो मराठाओं ने लगान वसूलने करने के लिए जगह जगह पर, वेरियस पॉइंट्स पर, उन्होंने अपने हैम्स बना दिए, जो कि मेन गांव जो होता था उससे थोड़ा हटके होते थे, और जहाँ पर छोटी फोर्ट्रेस थी उन्होंने फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया। जहाँ जहाँ वो अपने को इस्टेब्लिश कर सकते थे इस्टेब्लिश कर लिया और बहुत ही सख्ती से लगान को रियलाइज़ करते थे, वसूलते थे। यहाँ तक कि जो राजा गुड रूलर्स किसी वजह से लगान देने में लेट हो जाते थे, उनको वो अरेस्ट कर लिया करते और जेल में डाल देते। तो जितना छत्रसाल को या उनको सपोर्ट किया था यहाँ राजाओं ने, मराठाओं को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे। रिजल्ट ये हुआ कि पूरा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था वो मराठाओं के खिलाफ था, बट समहाउ उनके पास पावर थी, उनके पास सोल्जर्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने
यहाँ पर रह रहे मिशनरी जो कि गुसाई सोल्जर्स थे उनके यहाँ पर जगह जगह मठ बने हुए थे, हैमलेट्स बने हुए थे, उनके साथ उनकी ट्रीटी हुई, क्योंकि मराठाओं ने उनको पे करके उनकी हेल्प लेके जगह जगह पर जहाँ पर कब्जा करना था कब्जा करा, किसी को सजा देनी थी सजा दी। तो पूरे बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो ग्वालियर की बाउंड्री तक, जो ग्वालियर स्टेट की बाउंड्री थी वहाँ तक उन्होंने पूरा जगह जगह पर अपना पॉइंट्स बना दिए थे जहाँ पर वो इस्टेब्लिश हो गए थे। इस दौरान कालपी में नारो शंकर वॉज देयर एज सूबेदार, उन्होंने कालपी में इनको रखा हुआ था, लेकिन कालपी में मुस्लिम्स के साथ नारो शंकर के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए और उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी। तो पेशवा बाजीराव ने सेटलमेंट करके कहा ठीक है हम नारो शंकर को हटाते हैं और उनको वहाँ से उठा के झांसी का सूबेदार बना दिया। तो ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सूबेदार, उनको विधिवत यहाँ का चार्ज दिया गया। तो नारो शंकर ने सबसे पहले आके किले में जो मुगल फौजदार थे उनको निकाल के बाहर कर दिया, किले पे कब्ज़ा किया और फिर उसका विकास किया, डेवलपमेंट किया, उसका वेस्टर्न साइड में विकास किया, एक्सटेंशन किया, बढ़ाया, उसको हम शंकरगढ़ के नाम से जानते हैं। उसमें एक उन्होंने आर्टिसन वेल देखा, उसको डेवलप किया और उससे उन्होंने वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट अपने किले के अंदर दिया और काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे। नारो शंकर के बाद फिर दो लोगों को और टाइम टू टाइम सूबेदार बनाया गया। रघुनाथराव नेवालकर ने सूबेदार बनने के बाद झांसी का काफी विकास किया। यहां उन्होंने कई महल, मंदिर और बाग बनवाए और झांसी एक समृद्ध शहर की तरह उभरा। 1794 में रघुनाथराव, हमारे लिए रघुनाथराव फर्स्ट है। रघुनाथ राव के नाम से नेवालकर कई हैं लेकिन रघुनाथ राव फर्स्ट, और उनके गांव में उनको सेकंड माना जाता है। एक ब्राह्मण परिवार के थे बट ही वॉज वेरी मच एजुकेटेड, बहुत क्वालिफाइड थे, वो कई भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के जानकार भी थे। उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, उनको फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी, डच भी आती थी। उनके पास पोजिशन में जो फॉरनर्स यहाँ आए हैं उन्होंने अपने मेमोर्स में लिखा है कि रघुनाथ राव के पास ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 2 था, सेकंड पोजिशन, और उनके पास एक लैब थी जिसमें मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट जो कि बाहर बन गए थे, डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से इल्यूमिनेशन, यह सब कुछ रघुनाथ राव ने किले में तैयार कर लिया था। उन्होंने एक लाइब्रेरी बना ली थी और यहाँ पर वो एजुकेशन बहुत अच्छा करना चाहते थे। उन्होंने जो विकास किया तो उस वक्त किला वासदी जो फोर्ट था उसके अंदर जितनी भी अकोमोडेशन थी वो रहने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वर्तमान में जो एक पैलेस है जिसको कि पंचमहल लिखा जाता है, ओरिजिनल नाम उसका मौज महल है, उसके बगल में एक पैलेस होता था जो कि ब्रिटिश वार में ख़त्म हो गया, उसके रुइंस हैं लेकिन अभी तक उसको एक्सक्वेट नहीं किया सकता, उसका उत्खनन नहीं हुआ। किले के अंदर तीन जगह पर रिहायशी पोर्शन था, एक तो जो वर्तमान महल है, एक उसके बगल में था और एक शिव मंदिर के पास आमोद उद्यान के नाम से क्षेत्र है, उसमें चारों तरफ कमरे बने हुए हैं वहाँ पर। तो रॉयल फैमिलीज को अलग अलग इस तरह से रखा जाता था। अंग्रेज़ों ने बाद में ऊपर कुछ कमरे बनाए हैं जो आजकल बने हुए हैं, वो मराठाओं ने नहीं बनाए थे। रघुनाथ राव फर्स्ट ने जो डेवलपमेंट किया उसमें उन्होंने वर्तमान में महल बनाया जिसको आजकल के हम रानी महल के नाम से जानते हैं, इन ऑनर हो रानी हम उसको कहते हैं। लेकिन और भी उनके फैमिली में जो लोग थे वो तत्कालीन रघुनाथ महल के नाम से जो है उसमें जाकर उन्होंने अपना निवास बनाया था। रीज़न ये था, झांसी शहर के अंदर पानी वॉज स्केयर और जहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर था वो खारा पानी था, खराब पानी था, उसमें लोग बीमार होते थे। तो रघुनाथ महल जहाँ बनाया वहाँ पर उनको पानी मिल गया, एक बावड़ी बनाई उन्होंने, उसके आसपास और भी कुएं बने, फिर जो एक तालाब था उसमें उन्होंने
उसको डेवलप किया। उनके पास हाथियों का एक सेना थी छोटी सी, तो हाथियों को नहलाने के लिए उनके सब, और वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्रबंध था। रघुनाथ राव ने जब 1801 में अंडर प्रेशर एक ट्रीटी करी उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसमें उनको फूड एंड कैंपिंग पावर झांसी मिली। तो आज जो किले के बाहर का पोर्शन है, यहाँ पर उन्होंने कैंप करना शुरू कर दिया था। फिर 1803 में और 1804 में उन्होंने फोर्सफुली रघुनाथ राव के साथ फिर ट्रीटी करी दो, और उस दोनों ट्रीटी के अंदर उन्होंने काफ़ी यहाँ पर एक्सेस झांसी में इस्तेमाल करने के लिए बहुत कुछ अवेल कर लिया। यहाँ तक कि ये तक अवेल कर लिया कि जो फोर्सेस यहाँ की होंगी, यहाँ का जो पैसा होगा, लगान का भी होगा, उसमें भी उन्होंने हिस्सेदारी का क्लेम करने की रास्ता खोल लिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सेटअप के लिए वो भी उनको ट्रीटी में मिल गया था, लेकिन जगह नहीं मिली थी। मतलब प्रिंसिपली जो ट्रीटी थी उसमें ये एग्रीमेंट हो गया था। इसकी वजह से रघुनाथ राव वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, क्योंकि जो उन्होंने किया वो किन कंडीशन में किया मैं नहीं बता सकता, लेकिन ही वॉज डिप्रेस्ड। उनको बहुत ज़्यादा ग्लानी हुई थी, क्योंकि पेशवा बाजीराव के विश्वास के साथ उन्होंने एक विश्वासघात किया था। तो रघुनाथ राव ने फिर अपना चार्ज अपने बेटे शिवहरि भाऊ राव को दिया, और शिवहरि राव जो थे उन्होंने 1796 से लेके और 1714 तक झांसी को रूल किया। रघुनाथ राव के निधन के बाद जैसे झांसी पर षड्यंत्र के काले बादल छा गए। इन षड्यंत्रों की मुख्य पात्र थी राजा शिवराम भाऊ की बहू रानी सखुबाई, जो किसी भी हालत में झांसी की सत्ता पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। शिव हरि राव ने 1796 से 1814 तक रूल किया, लेकिन 1811 में उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि उनकी डॉटर इन लॉ सुखुबाई जो है वो इतनी क्रूर है कि वो उनके बेटा जो उनके हस्बैंड कृष्ण राव को पावर एज ए रूलर नहीं करने देगी। तो उन्होंने झांसी के बेटरमेंट के लिए अपने ग्रैंडसन रामचंद्र राव को रूलर डिक्लेयर किया। तो सुखुबाई से नाराज थी, और सुखुबाई ने रामचंद्र राव को मर्डर करने के लिए भी प्रयास किया था, क्योंकि रामचंद्र राव लक्ष्मी मंदिर के पास एक उन्होंने छोटा सा पॉन्ड डेवलप कर लिया था, स्विमिंग पूल टाइप का, जिसमें वो स्विमिंग करने जाते थे और ऊपर से डाइविंग भी करते थे। तो इस बात को फायदा उठाने के लिए सुखुबाई ने एक कॉन्स्पिरेसी करके उसके अंदर स्पीयर्स लगवाए, लेकिन वो स्पीयर्स लगने के बाद रामचंद्र राव को मालूम हो गई, और उसको बताने वाला कौन था, जिसने स्पीयर्स लगाए थे उसने ही अंदर इतना वो डिप्रेशन में आ गया कि उसने जाके ये खबर दे दी रामचंद्र राव को। तो सुखुबाई ने फिर बाद में उस आदमी को अपने महल में सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। तो रामचंद्र राव और सुखुबाई जो उसकी मदर थी उनके रिलेशन बहुत ख़राब थे। तो सुखुबाई गणेश मंदिर में और रघुनाथ महल में रहती थी, रघुनाथ महल में, और रामचंद्र राव को किले के अंदर रखा गया था और पूरे प्रोटेक्शन में रखा गया। और उनके साथ जो सबसे अहम करेक्टर था वो थे गोपाल राव, हु वॉज द मिनिस्टर विथ हिम। एक तरह से रामचंद्र राव के बिहार पर वही रूल करते थे। तो जितना भी ट्रीटीज हुई, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशन हुए, वो नाम तो रामचंद्र राव का होता था, लेकिन उसको एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो गोपाल राव के पास थी। गोपाल राव का नाम जो है वो रिकॉर्ड में नहीं मिलता। एक जगह मिलता है कि जब 1817 में 17 नवंबर को झांसी को डेवलप करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी,
जिसको गोपाल राव ट्रीटी कहते हैं, उसमें इंग्लैंड की टाउन डेवलपर फर्म थी बेकर एंड सन्स। बेकर एंड सन्स के रिप्रेजेंटेटिव थे जॉन बीन चप। तो जॉन बीन चप और गोपाल राव ने सिग्नेचर किए थे उस ट्रीटी के ऊपर, 10 आर्टिकल थे। उसके अंदर न्यू टाउनशिप डेवलप होनी थी जिसका नाम रखा गया नौ आबाद झांसी, और उसका जो लोकेशन थी वो किले के साउथ में थी, वेस्ट में पहुँच नदी और ईस्ट में जो पहाड़ियाँ थी चारों तरफ से उन्होंने बाउंड्री डिक्लेयर करके नौ आबाद झांसी का एरिया डेवलप कर दिया। तो नौ आबाद झांसी में अब सिपरी बाज़ार है, सिविल लाइन्स है और कैंटोनमेंट है, जो आर्मी के अधीन कैंटोनमेंट है वो उसी एरिया में है जिसको नौ आबाद झांसी कहा जाता है। जब 1857 में अपराइजिंग हुई है तो वो अपराइजिंग स्टारफोर्ट से हुई। स्टारफोर्ट भी अंग्रेज़ों ने रामचंद्र राव के साथ उस ट्रीटी के तहत रामचंद्र राव से ही बनवाया था। ब्रिटिशर्स उन्होंने अपना डिज़ाइन दिया, अपनी रिक्वायरमेंट दी, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन फॉल्ट भी है। जो स्टारफोर्ट है, स्टारफोर्ट जो है उसके अंदर अलाइनमेंट की दिक्कत हो गई थी, तो एक कोना जो है बड़ा हो गया था तो उसको काट के गोल कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने रामचंद्र राव को इस्तेमाल किया, उनके फंड्स का इस्तेमाल किया, रामचंद्र राव की फोर्सेस का इस्तेमाल किया और नॉर्थ में कई स्टेट्स में जाके उन्होंने झांसी की सेना के साथ लड़ाई करके उन क्षेत्रों को कब्जे में लिया। इसके एवज में उन्होंने डेकोरेशन भी किया दिया उसको रामचंद्र राव को। इनफैक्ट अगर हम देखें हिस्ट्री में 1803 में जब रघुनाथ राव ने जो ट्रीटी करी थी उसके तहत उन्होंने झांसी को प्रोटेक्शन देने के लिए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट डिक्लेयर कर दिया था और बाजीराव से अलग करा के इनको इंडिपेंडेंट राजा क्लियर कर दिया था। ये उनकी पॉलिसी थी, तो ये इनको यहाँ राजा बना दिया। उसी क्रिएशन में पहले रघुनाथ राव को राजा बनाया, फिर शिवहरि को बनाया और शिवहरि के बाद फिर रामचंद्र राव को बनाया। अब रामचंद्र राव हैड नो इशू, कोई पच्चा नहीं था। 1835 में रामचंद्र राव की डेथ हो गई। झांसी के राजगद्दी पर कई दावेदार होने के कारण अंग्रेजों ने एक कमेटी बनवाई जिसने गंगाधर राव को राजा चुना, पर पहली पत्नी के निधन के वजह से उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसी कारण अंग्रेजों ने ये शर्त रखी कि उन्हें सत्ता तब सौंपी जाएगी जब वो दूसरी शादी करेंगे। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी की, जिनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के बाद 1843 में उनको सत्ता सौंपी गई। रामचंद्र राव के दो चाचा थे, रघुनाथ राव सेकंड जो भी थर्ड मान लें और गंगाधर राव। तो यह हुआ कि अगर अभी भी कोशिश करें तो रघुनाथ राव कैन हैव ए चाइल्ड विथ हिज वाइफ। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका क्योंकि वो एंगेज थे, उनका अफेयर किसी मुस्लिम कॉन्क्यूबाइन के साथ था, तो उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। और 1838 में रघुनाथ राव सेकंड जो थे उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो झांसी के अंदर जब उस कोई रूलर नहीं था तो ब्रिटिशर्स ने झांसी किले से लेके और शहर का और अपना जो ऑलरेडी उनके पास नौ आबाद झांसी था इस पूरे का एरिया को 3 महीने उन्होंने कमांड किया। आखिरकार फिर गंगाधर राव के ऊपर ओरछा राजा ने सिफारिश करी, दतिया महाराज ने करी और सिंधियाज ने करी, तो गंगाधर राव को राजा बनाने के लिए एग्री कर लिया गया। लेकिन ये कंडीशन रखी गई कि भई आप जब तक है तो ठीक है, आपके मरने के बाद क्या होगा। तब उनकी शादी के लिए प्रयास शुरू हुआ और उनकी शादी करने के लिए जो पहली उनकी पत्नी थी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उससे वो बहुत दुखी रहते थे और अपना मन लगाने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे, नाटक प्ले करते थे, नाटकों में भाग लेते थे और वो खुद गंगाधर राव वुमेन रोल में भी आया करते थे, उनको शौक था। और जो किले में बारादरी बनी है उसके सामने 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वो तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रामा
और एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट हुआ करता था। उनको रूलर तो बना दिया गया, ये तो कंडीशन थी कि अगर उनके कोई बच्चा नहीं होगा तो आफ्टर डेथ ऑफ गंगाधर, जब गंगाधर की मृत्यु होगी तो अंडर द ट्रीटी या जो सिस्टम था उस वक्त, जो ज़बरदस्ती अपने लॉ प्रिवेंट करा रहे थे, प्रिवेल करा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स, कि झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा, तो उसको बचाने के लिए गंगाधर राव को ये कहा गया कि आप शादी करिए। तो उस वक्त पुरी के एक पंडा थे चंदन हजूरी, वो आए, उन्होंने गंगाधर राव की जन्म कुंडली को देखा, वो मोरोपंत तांबे के फैमिली पंडा थे, प्रीस्ट थे, वो मोरोपंत तांबे से बिठूर में जाके मिले और वहाँ मिलने के बाद उन्होंने मनु को देखा, मणिकर्णिका को, फिर ऐसे ही उन्होंने उसकी जन्म कुंडली मांगी। उनके हॉरोस्कोप के मिलने के बाद ये क्लियर हो गया था कि बच्चा हो जाएगा, और गंगाधर राव के साथ फिर बातचीत हुई, फिर पूरी फैमिली में तय हुआ और ये माना गया कि नहीं ठीक है, हम शादी कर लेंगे। तब 9 वर्ष के लगभग मनु की उम्र मानी जाती है, जैसा कि मराठी रिकॉर्ड्स में है। 19 मई 1942 को शादी संपन्न हुई। गंगाधर राव के पावर में आने के बाद उनका सबसे ज़्यादा हेल्प करने में ब्रिटिश भी थे, उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, और गंगाधर राव सोशल एंड कल्चरल माइंडेड थे, तो अपने अंडर में सब चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। स्पेशली जो यहाँ की बुंदेली आर्ट थी, लोकल बुंदेली आर्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आसपास के गांवों में जो अच्छे आर्टिस्ट होते थे उसमें एक नाम आता है सुखलाल का, सुखलाल काछी। वो फूलों से रंग बनाते थे, पत्तियों से रंग बनाते थे, पेड़ के स्किन से बनाते थे, फ्रूट से बनाते थे, और जो यहाँ की मिनरल्स होती थी बुंदेलखंड की, उन मिनरल से वो रंग बनाते थे। गंगाधर राव अल्टीमेटली कोशिश हुई और फिर 1851 में लड़का पैदा हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुखुबाई, जानकीबाई और उनके जो ग्रुप था वो अपनी जगह पर कॉन्स्पिरेसी करने में तैयार था। तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, अदृश्य कारणों में उस बच्चे की मृत्यु हुई थी, इतना ही रिकॉर्ड्स में देखने को मिला था पहले, कि बच्चे की लाश दिखाई गई, डेड बॉडी दिखाई गई, वो भी कपड़े में लपटी हुई, चेहरा नहीं दिखाया गया था। तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अपने बच्चे की लाश देखने के बाद गंगाधर राव को बहुत धक्का लगा और उस दिन से वो डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा हताश हो गए और बीमार रहने लगे थे। और इसी दौरान जब ये हुआ कि वैद्यों ने कहा कि अब इनका बचना मुश्किल है, तो ये सलाह दी गई कि आप किसी को दत्तक पुत्र ले लीजिए। तब उन्होंने अपने ही परिवार के रिश्तेदार के यहाँ से, बच्चे का नाम था आनंद राव, उसको सब लोगों ने मिलकर सेलेक्ट किया और आनंद राव को अडॉप्ट करके नया नाम दिया गया दामोदर राव। 20 नवंबर को 1853 गंगाधर राव ने एक एफिडेविट झांसी के प्रेजेंट जो कलेक्टेड बिल्डिंग है उसमें SDM बैठते थे, उनको सबमिट कराया था कि हम इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हमारे अडॉप्टेड सन होंगे, हमारे रूलर होंगे, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था। और फिर डॉक्ट्राइन और लैब्स का प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी करके झांसी को कब्जे में ले लिया था। तो जो 20 तारीख को ये सबमिट किया गया, उसने 20 तारीख को ही SDM ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उस रिजेक्शन के बाद इतना शौक हुआ कि 21 नवंबर को 1853 को गंगाधर राव की डेथ हो गई।
1853 में राजा गंगाधर राव के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी राज्य को खालसा कर दिया और यहाँ पर अंग्रेज सत्ता शुरू हुई। 1857 में झांसी में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और झांसी के निवासियों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। 1858 में अंग्रेज फौज ने झांसी पर बड़ा हमला किया और यहाँ पर बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पहले कालपी और फिर ग्वालियर चली गई, जहाँ वो 18 जून 1858 में शहीद हुई। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में अमर है, वहीं नेवालकर परिवार से जुड़े कई स्मारक उपेक्षा का शिकार हुए। 1861 में सिंधिया को दिया गया, तो सिंधिया ने यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया, तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड थे उनको लोगों ने मनमाने तरीके से म्यूटिलेट कर दिया। किसी ने अपना नाम लिखवा दिया, किसी ने जो कुछ भी जिससे पॉसिबल हो सका, जितनी पावर रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने पुराना बंदोबस्त भी देखा, बीच का बंदोबस्त भी देखा और आखिरी बंदोबस्त भी देखा। सबके अंदर फैब्रिकेशन है, सब ओवरराइटिंग है, या पेज फाड़ दिए गए, रजिस्टर गायब कर दिया गया, कहीं खेवट बचा है, कहीं खतौनी बची है, लेकिन बंदोबस्त रजिस्टर के बहुत से कागज़ और पेज फाड़ दिए गए या उनको इतना डैमेज कर दिया गया कि जो एंट्री थी जिस कॉलम में वो कॉलम डैमेज हो गया, दिखाया गया कि दीमक लग गई। तो इस तरह से जो मॉन्यूमेंट थे, जो एक्चुअली गवर्नमेंट के मॉन्यूमेंट्स हो जाने चाहिए थे, वो लोगों ने प्राइवेट बना दिए और उस पर कब्जा करके बाद में उसको बेचा। तो जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट थे, जो हेरिटेज था, जो कुछ हमको और प्रूफ दे सकता था, उस पर यहाँ के लोगों ने बदनीयती से कब्जा करके, तोड़कर, रीबिल्ड करके उसे नष्ट कर दिया। सिर्फ रघुनाथ महल बचा है, पचकुइयाँ के पास कुछ कुएँ बचे हैं, हाथी खाना बचा है, बाकी रानी महल का थोड़ा सा पोर्शन बचा है। रानी महल का जो मेन एक्सटेंशन था वेस्टर्न साइड का, वो सब ख़त्म हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, जबकि वहाँ से लेके और पीछे तक बहुत सुंदर गार्डन हुआ करता था। वो गार्डन तो हमने बचपन में देखा है और उसी गार्डन को लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटिलेट करा के कब्जा कर लिया, उसको बिल्डिंग बना ली। एक अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, मिस्टर हार्डी, तो जो रानी महल के सामने गार्डन होता था उसमें सिविलियंस लोग इकट्ठे होते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने उस गार्डन को नष्ट कर दिया था और उसकी जगह मार्केट प्लेस डेवलप करती थी। तो उसके उन्हीं के जो यहाँ के अथॉरिटी थी मिस्टर हार्डी, तो उनके नाम से ही उस मार्केट का नाम हार्डीगंज रखा गया, जो बाद में फिर 90s में जाके उसका नाम बदल के सुभाषगंज कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया कि उस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मीटिंग करी थी, तो उस मेमोरी में उस मार्केट का नाम हार्डीगंज से उठा के सुभाषगंज कर दिया। आज झांसी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इन स्मारकों का संरक्षण करने की कोशिश कर रही है। आशा है कि झांसी के इतिहास के इस भूले हुए काल में लोगों की रुचि और बढ़ेगी।